रमेश। क्या मामला हो गया थोड़ा बताएं। ये मेरा बच्चा है। क्या नाम बच्चे का? हेमंत। तो शाम को तो हम साथ ही थे, सो गए अपने अपने हिसाब से, सो जब उठा तो ये अचेत मिला। अच्छा, तो मैंने सुसाइड, एक तो सुसाइड रोड भी मिला और ये अचेत मिला। वहाँ से हम आप गाड़ी करके हॉस्पिटल आए, फिर इलाज करवा के चल रहा है इलाज। उसमें नोट में 5-6 आदमियों का नाम लिखा हुआ है और उसमें ये लिखा है भाई ये मेरे को दयाली भी की है 2 दिन पहले या 1 दिन पहले और धमकी देते हैं, इस वजह से मैं ये कदम उठा रहा हूँ। अच्छा, इसकी कोई शिकायत की है आपने? शिकायत तो अभी तो की नहीं, थाने में करेंगे। अच्छा, धमकी किस मामले को लेकर धमकी दे रहे हैं, कुछ बताया गया इसने भाई क्या मामला है? क्या पूरा क्लियर नहीं बताया, लेकिन उसमें लिख रहा है हिसाब से बता रहे हैं भाई पैसे का लेन देन है या अब अवैध तरह की कहीं ना कहीं इसको ऊपर दबाव बना रखा है। तो मतलब इसने कोई कौन सी दवा पी थी? दवाई शायद वहाँ पर 2-4 रखी हुई थी, वो नहीं मिली तो मैं उसी को मानता हूँ भाई वो पी है। काय की होती है दवा? काय काम आती है? कचरे की दवाई आती है खेत में छिड़काव नहीं, उसको पीकर इसने आत्महत्या का प्रयास किया उनके मजबूर होकर। तो उनके नाम याद है लड़कों के? कुछ नाम उसी में लिखा है, सुसाइड नोट में लिखा है। लिखा है नाम? लिखा है मनोज यीशु देवराज संजय राजेश बना। कहाँ के निवासी हैं आसपास अपने गांव के? कुछ तो उसमें बड़े गाँव गए, बाकी का और एक दो पता नहीं कौन से गाँव है। इसका पूर्व में कोई विवाह चल रहा है उनसे? विवाह तो हमारे सामने तो कोई विवाद नहीं है। अच्छा, और इनके चल रहा हो तो जो कोई एक पता भी नहीं, हमारे को तो बताया भी नहीं कभी। अच्छा, किसी मामलों को लेकर इसको धमकी मिल रही थी, इसकी वजह से इसने कदम उठाया है। आगे आप क्या चाहते हो? इसकी कार्रवाई तो चाहते हैं ना भाई, चाहती क्या है वो? आगे इसके साथ कल दूसरे के साथ होगा। कौन सा गांव है आपका? हमारा जड़कन है। थाना कौन सा लगता है? क्या नाम है? नाम क्या है आपका? बोलो ना। रमन।